हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके अभी अभी डिलीवरी हुई है और अब आपको थोड़ी तकलीफ आ रही है अपने आप को मैनेज करने में, बच्चे को मैनेज करने में, और आपको थोड़ा सा कंबरसम लग रहा है कि अब मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं, और कई लोगों को डिप्रेशन जैसी बीमारी भी हो जाती है, तो इन सब चीजों से कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, इन सब चीजों के चलते हुए अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपके साथ खड़ी हूं इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी यदि अभी डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। दोनों ही डिलीवरीज में जनरली स्टिचेस आते हैं, इसलिए स्टिचेस की केयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यदि आपका सिजेरियन हुआ है तो हो सकता है कि आपको शुरू के 2 से 3 दिन या 4 दिन उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें कैनिडा भी लगा होता है जिसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन जा रहे होते हैं, और पेट पर स्टिचेस लगने के कारण उठने बैठने में समस्या आती है। इसी प्रकार यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है और नीचे की तरफ स्टिचेस आए हैं तो आपको तब भी उठने बैठने में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन चलने फिरने में थोड़ी ज्यादा समस्या होती है। 3 से 4 दिन का आराम करने के बाद आप थोड़ा सा आराम से अपने आप को कंफर्ट जोन में ला सकती हैं, क्योंकि जब स्टिचेस का पेन काफी कम हो जाता है और फिर आप अपना मेंटेनेंस या अपनी देखभाल खुद कर पाएंगी। तब तक आपको किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका ध्यान रख सके, तो उसमें आप किसी नर्स की सहायता ले सकती हैं या आप किसी दाई की सहायता ले सकती हैं जो कि आपको उठाने बिठाने में किसी प्रकार थोड़ी प्रकार की हेल्प कर सके। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्टिचेस की केयर कैसे की जाए। स्टिचेस जनरली वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाकर कवर कर दिए जाते हैं, जिससे कि आप पूरा बॉडी शावर ले सकती हैं। इस प्रकार की जो ड्रेसिंग लगाई जाती है वो वाटरप्रूफ होती है, और यदि उसके ऊपर पानी जाता है तो स्टिचेस के अंदर किसी प्रकार का पानी नहीं लगता है और स्टिचेस को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो नीचे की तरफ जो स्टिचेस लगे हैं वो जनरली उनपे कोई प्रकार की ड्रेसिंग नहीं होती है, और वो गीले भी होते हैं और यूरिन से इनसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जब भी आप यूरिन जाती हैं या पॉटी जाती हैं तो नीचे के एरिया को पूरा नॉर्मल पानी से वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद जो ऑइंटमेंट आपको दिया जाता है, जो ट्यूब दी जाती है, वो टांकों के आसपास के एरिया में लगा लेनी होती है, जिससे कि वो नरम बने रहे टांके और वहां किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। अब दूसरी बात आती है कि जनरली जब भी डिलीवरी होती है तो घर वाले लेडी को कमरे के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि हवा नहीं लगनी चाहिए, बाहर की धूप नहीं लगनी चाहिए। तो ये सब मिथ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद आपको नॉर्मल एयर और अच्छी धूप बहुत जरूरी होती है। धूप से ही हमारे बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, यानी अपनी बॉडी का जो एक्सिस है या अपना डे नाइट का जो रिदम है, वो मेंटेन होता है। इसलिए धूप में बैठना बहुत जरूरी होता है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और मेंटल बूस्ट मिलता है, जिससे कि डिप्रेशन की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। तो धूप में बैठना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिए। सुबह की धूप, शाम की धूप आप ले सकती हैं। यदि गर्मियां हैं तो अर्ली मॉर्निंग धूप बहुत अच्छी होगी, और यदि सर्दियां हैं तो तब तो आप पूरे दिन भर में कभी भी आप धूप को एंजॉय कर सकती हैं। साथ ही साथ बच्चे को भी धूप दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें पीलिया होने की समस्या होती है, जो कि माँ के दूध के पिलाने के साथ ही शुरू होता है और 7वें से 10वें दिन के बीच में मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसे स्थिति में बच्चे को यदि आप धूप में रखते हैं तो पीलिया की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। अब तीसरी चीज आती है कि आपको कितना घूमना फिरना चाहिए या कितना उठना बैठना चाहिए। तो यदि आपको कंफर्ट जोन में है और बच्चे को दूध पिलाने के लिए, जनरली हम लोग आपको यही बोलते हैं कि आप अपने बैक को सपोर्ट करके और बच्चे के सिर को हाथ में सपोर्ट करके फिर आप दूध पिलाइए, जिससे कि आप बच्चे का सांस की नली के अंदर दूध का प्रवेश नहीं होता है, जिससे कि उसको किसी प्रकार की चोकिंग नहीं होती है। यदि आप लेटे लेटे बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं, उतनी बार तो आपको बैठना ही है, लेकिन बैठते समय आपको बैक को पूरा सपोर्ट करके बैठना है। और उसके साथ जब आप खाना खा लेती हैं और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे आपको अच्छे से वॉक जरूर करना है, जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए और आपके नसों के अंदर खून का जमाव ना हो, क्योंकि पोस्टपार्टम में यदि आप बेड रिडन रह जाती हैं तो खून की नलियों के अंदर खून जम सकता है, जिसको कि पोस्टपार्टम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो कि लोग बेड रेस्ट करते हैं और बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं है। और यदि आप बेड पर लेटी हुई है तो हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाते रहिए, हाथों और पैरों के मूवमेंट्स आप करते रहिए, जिससे कि नसों के अंदर मूवमेंट होता रहे और खून का फ्लो बना रहे। अब तीसरी बात आती है डाइट की। ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद हर प्रकार का खाना अलाउड होता है, बट जनरली घरों में खाना बहुत
बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है, बट फिर भी हम आप लोगों को यही कहेंगे कि दूध दही छाछ आपको लेना होता है, पनीर आप ले सकते हैं, दाल ले सकती हैं, जूस और फ्रूट्स ले सकती है, और कई बार खट्टा खाने के लिए मना किया जाता है, बट फिर भी हम लोग कहेंगे कि विटामिन सी लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि घाव भरने में विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि खट्टे फलों में होता है, यानी कि मौसमी है, नारंगी है, नींबू, इन सब में होता है। इसके साथ ही साथ आप आंवला ले सकते हैं, गवावा ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, पपीता ले सकती हैं, और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप रोटी के अंदर अजवाइन डालकर ले सकती हैं। पोस्टपार्टम पीरियड में अजवाइन हेल्पफुल होता है, जो कि हम प्रेगनेंसी में मना कर रहे थे लेकिन अब रिकमेंडेशन दे रहे हैं, क्योंकि इससे पेट ठीक रहता है, कब्जे की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और गैस की समस्या भी खत्म हो जाती है। और यदि आपको पानी पीने से भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो वो बहुत गलत है, आपको 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में जरूर पीना होता है, क्योंकि यदि आप लिक्विड डाइट जितना ज्यादा लेंगे उतना ही ज्यादा आपका मिल्क का सिक्रेशन होता है, इसलिए आपको लिक्विड डाइट के अंदर 3 से 4 लीटर पानी लेना होता है, जूस लेना होता है, सूप लेना होता है, दूध लेना होता है, क्योंकि जितना लिक्विड लेंगे उतना ही अच्छा मिल्क का सिक्रेशन होता है, और आपका यदि पेट भरा रहेगा, आपको एनर्जी अच्छी रहेगी तो मिल्क का सिक्रेशन उसमें भी बना रहता है, और आप में अगर एनर्जी है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, तो आपके मिल्क के अंदर भी न्यूट्रिशन क्वालिटी अच्छी होगी, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार यदि आप बैलेंस डाइट लेती हैं, न्यूट्रिशनल डाइट लेती हैं, तो आप अपना और अपने बच्चे का दोनों का ग्रोथ इंश्योर करती हैं। इसलिए अच्छी धूप लीजिए, अच्छी हवा लीजिए, और 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, और एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारी चीजें यदि आप ऐड करके लेती हैं तो डेफिनेटली आपको किसी प्रकार की किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, और आप अपना पोस्टपार्टम पीरियड बहुत अच्छे से निकाल पाएंगी। और अभी तक आपको लगता है कि आपके किसी और सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं दिया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती है, हम या हमारी टीम में से आपसे जवाब जरूर मिलेगा आपको। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और Facebook और Insta पे भी हमें फॉलो जरूर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।